इसकी मोलर कंडक्टिविटी कौन कौन से आयंस की वजह से होगी? CH3COO नेगेटिव प्लस एच प्लस आयन. सो दिस मीन्स एंड दिस स्टेटमेंट इज डिफाइंड बाय दिस एग्जाम्पल. सो अगेन हम फिर से रीड करते हैं. कॉलरॉश लॉ क्या कहता है? द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब एट इन्फेनाइट डाइल्यूशन वाली मोलर कंडक्टिविटी की बात हो रही है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इज द सम ऑफ द आयंस, इज द सम ऑफ द आयंस ऑफ कंडक्टिविटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन. ठीक है. सो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमें कंडक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल हम स्पेसिफिकली बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी अगर हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम कॉलरॉश लॉ का यूज़ करते हैं. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी को फाइंड करने के लिए, और इसका एप्लीकेशन ही ये है. ठीक है. तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपकी बुक में. सम एग्जाम्पल्स आर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमें क्या डेटा दिया हुआ है? ये डेटा दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटीज का, लैम्डा एम का. सो KCl और माइनस LiCl, सो द कॉमन आयन इज क्लोरीन आयन इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. हियर NO3 कॉमन आयन, सो दिस इज कैलकुलेटेड एक्चुअली बाय द कॉमन आयन. हम यहाँ पर कॉमन आयन देखते हैं. अब मैं आपको एक इक्वेशन या एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है, फिर हम इस पे आते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें दी हुई है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की, जिसकी वैल्यू है 126.4. ओके. फिर दी हुई है हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl की, जिसकी वैल्यू है 425.9. और दी हुई है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम एसीटेट. AC मीन्स एसीटेट, और एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO नेगेटिव. ठीक है. इसकी दी हुई है 91. इन सब की यूनिट क्या है? मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? एनीवन? मैम. यस मैम, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल. यस. सो दीज यूनिट्स आर गिवन इन साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ठीक है. अब हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द लैम्डा नॉट फॉर CH3COOH. इसके लिए हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, मतलब एसिटिक एसिड के लिए, और डेटा ये तो दिया हुआ है. इसका यूज करके हमें एसिटिक एसिड की फाइंड करनी है. तो हम कैसे लिखेंगे इसको? वी विल राइट अकॉर्डिंग टू कॉलरॉश लॉ. ये क्या बनाएगा? CH3COOH कैसे ब्रेक होगा? दिस विल ब्रेक एंड फॉर्म आयंस. तो ये क्या बनाएगा? CH3COO नेगेटिव प्लस एच प्लस आयन. यस, अकॉर्डिंग टू कॉलरॉश लॉ. यस और नो? यस. सो अब हमें यहाँ क्या देखना है? हमें देखना है कॉमन आयन. जो कॉमन आयन मिलेगा हमें इस डेटा में, उसको हम ऐड करते जाएंगे, और जो कॉमन आयन नहीं होगा किसमें? इस पर्टिकुलर जिसकी हमें फाइंड करनी है इस कंपाउंड में. ठीक है. तो दिस इज एसीटेट आयन. अब एसीटेट हमें कहाँ मिल रहा है? हमें एसीटेट मिल रहा है इसमें, मिल रहा है इस वैल्यू में हमें एसीटेट मिल रहा है. नो मैटर इट इज सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, उससे हमें मतलब नहीं है. हमें देखना है कॉमन आयन. तो ये एसीटेट आयन है और यहाँ पर भी एसीटेट है. यस? यस मैम. सो वी विल ऐड दिस. व्हाट वी विल डू? वी विल ऐड द वैल्यू 91. नाउ
एच प्लस कहाँ मिल रहा है, किस में मिल रहा है एच प्लस इन दोनों में से? एच सी एल में मिल रहा है, एन ए सी एल में? हाँ एच सी एल में. यस. सो वी विल एड 126.4 है, ठीक है, 126.4. अब बचा क्या? बचा हमारा एन ए सी एल. जस्ट अ मिनट, की वैल्यूज आगे पीछे हो गई हैं. एच सी एल की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो थोड़ा एक मैं सिर्फ एक समझाने के लिए कर रही हूँ, बट इसकी वैल्यू जो है वो है 425.9, ठीक है. तो एच सी एल की वैल्यू इज 425.9, ठीक है. अब बचा क्या हमारा? बचा हमारा एन ए सी एल. सो वी विल सबस्ट्रैक्ट दिस 126.4 एंड द आंसर यू विल गेट विल बी 390.5 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ठीक है, समझ आई बात कि कॉलरॉश लॉ से हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कैसे फाइंड की? जी मैम. हाँ, हमने क्या बोला था कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द आयोनिक कंडक्टिविटीज. सो दीज आर द आयोनिक कंडक्टिविटीज, क्योंकि ये आयन्स के कारण जो है वो कंडक्टिविटी हमें मिल रही है. तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि जिसकी हमें कंडक्टिविटी, जिस वीक इलेक्ट्रोलाइट की फाइंड करनी है, उसमें हमें कॉमन आयन देखना है जो गिवन डेटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो हमें एसिटेट आयन मिल रहा था सोडियम एसिटेट में, तो हमने उसकी वैल्यू प्लस कर दी. एच प्लस हमें मिल रहा था एच सी एल में, तो वो हमने प्लस कर दिया. अब ये जो बचा एन ए सी एल है उसको माइनस कर दिया. अब इसको कैसे देख सकते हो आप लोग? इसको देखो कि सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव प्लस एच प्लस, हम माइनस क्या कर रहे हैं? एन ए सी एल को माइनस कर रहे हैं. सो माइनस एन ए सी एल, तो एन ए सी एल भी तो आयन्स में ब्रेक होगा, होगा ना? होगा. सो व्हाट विल बी फॉर्म? देखना मैं, हाँ मैं बता रही हूँ कि एन ए सी एल क्यों माइनस हुआ, देखना, ठीक है. प्लस अब ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों में, तो माइनस दिस, ठीक है, माइनस सी एल, और यहाँ एच सी एल जो ब्रेक होगा वो हमने यहाँ पे सिर्फ एच लिखा है, ये ब्रेक इसका सी एल आयन भी तो होगा. ऐसे सी एच थ्री सी ओ ओ एच है, ये सोडियम एसिटेट है, जो ये भी ब्रेक किस में होगा? प्लस सोडियम आयन में और प्लस एसिटेट आयन में, सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव. तो देखो कैंसिल हो जाएगा सोडियम और क्लोराइड, तो वी विल गेट व्हाट? सोडियम से सोडियम कैंसिल, सी एल से सी एल कैंसिल, एंड वी विल गेट सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव एंड द एच प्लस आयन. और इसीलिए वी से कि जो कॉमन है उसको ऐड कर दो और जो इररिलेवेंट है उस वैल्यू को माइनस कर दो. समझ आई बात कि क्यों हमने NaCl को माइनस कर दिया? क्योंकि हमें एसिटेट चाहिए था तो सोडियम से सोडियम कैंसिल हो जा रहा है, हमें यहाँ एच चाहिए था तो Cl से Cl कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए हमने NaCl की वैल्यू को माइनस कर दिया. क्योंकि हमें CH3COOH चाहिए है, तो ये जब ब्रेक होगा तो CH3COO नेगेटिव बनेगा और H प्लस बनेगा. तो हमारे काम की चीज़ सिर्फ ये दोनों है, हमारी काम की चीज़ सिर्फ ये और ये है, बाकी हमारा कुछ काम का नहीं है, ठीक है? यस यस मैम. हाँ समझ आ रहा है सबको? सुश्री, रोनित, उज्ज्वल, यस.
नाउ इसका जो एप्लीकेशन है वो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन में आता है, पेपर में आता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोलरोश लॉ. सो यू विल राइट कि इट इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ, इन द कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने में. सेकंड, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो कि अल्फा है, इसको कैलकुलेट करने में भी कोलरोश लॉ यूज होता है. एप्लीकेशंस, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम अल्फा इज लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट. ठीक है, तो ये लैम्डा एम नॉट किससे निकाल लोगे आप, कैसे निकाल लोगे लैम्डा एम नॉट, कोई बताएगा? समझ आया होगा तो. लैम्डा एम नॉट कहाँ से निकाल सकते हो? दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो? अब भी पढ़ाया कौन सा लॉ? मैम कोलरोश लो. यस, तो अल्फा के लिए आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी कोलरोश लॉ से. ये कहाँ से मिल जाएगी? दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी. ये कहाँ से मिलेगी? ये कहाँ से मिलेगी? मैम के डिवाइडेड बाय सी. वेरी गुड, ये मिल जाएगी हमें फॉर्मूले से, जो कि इसका फॉर्मूला है के इंटू 1000 अपॉन सी. ओके, दीज वर द टू एप्लीकेशंस ऑफ कोलरोश लॉ. अभी इन्होंने इसी को एक्सप्लेन किया है कि अगर ए बी इलेक्ट्रोलाइट है तो इट विल ब्रेक इनटू द इंडिविजुअल आयंस, और इन दोनों की कंडक्टिविटीज को हमें सम करना है. अब एक बात और कि इन्होंने वे वी प्लस और वी माइनस क्या लिखा है, तो दीज आर द नंबर ऑफ कैटायंस एंड द एनायंस. ठीक है, अभी तो जो मैंने CH3COO नेगेटिव और एच प्लस का एग्जाम्पल दिया, उसमें तो एक एक आयंस बना था, है ना, तो इसलिए हमने कुछ लिखा नहीं उसके आगे. बट समटाइम्स टू और फोर और द स्टेट स्टोइशोमेट्री इज द गिवन. ओके, तो स्टोइशोमेट्री जब भी दी होगी, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया है टू सी एच, मतलब आपको ब्रेक करना है, तो मान लो दिया है टू सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव प्लस 3H+, तो वॉट यू विल डू, सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव, दिस इज एसिटेट आयन. तो जब आप एसिटेट आयन की जो डेटा दिया हुआ है उसकी वैल्यू को ऐड करोगे ना, तो उसमें मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, टू का मल्टीप्लाई कर दोगे. ऐसे जहां एच प्लस की वैल्यू आपको मिल रही होगी, उसमें उस वैल्यू में व्हाट विल यू डू, यू विल मल्टीप्लाई बाय द 3. ओके, अंडरस्टैंडिंग? मैम और एक बार. हाँ, जैसे अभी मैंने क्या बोला था कि CH3COOH है वो ब्रेक होगा, तो किस में, उसके इंडिविजुअल आयंस में, है ना, तो CH3COO नेगेटिव बनेगा और एच प्लस बनेगा, जी मैम. और इसकी आयोनिक कंडक्टिविटीज को हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमें तो यही चाहिए है. बट जो डेटा होता है ना, उसमें ऐसी चीजें दी होती हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट थोड़ी दे देगा कि एसिटेट आयन की कंडक्टिविटी ये है, ऐसे नहीं देता है वो देगा एक कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट की. मान लो पोटेशियम एसिटेट दे दिया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे दी 26. फिर एच प्लस है तो आपको दे दिया एच एफ या एच सी एल दे दिया, इसकी वैल्यू आपको दे दी 100. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एसिटेट आयन और एच प्लस आयन. तो एसिटेट आयन चाहिए और एच प्लस चाहिए, हमें माइनस क्या करना है, वी हैव टू माइनस के सी एल. तो ठीक है, तो के सी एल की कंडक्टिविटी दे देंगे यहाँ पर, मान लो 200 दे दी. जस्ट मैं रैंडमली वैल्यूज दे रही हूँ आपको, ठीक है, तो आप माइनस करोगे, किसको माइनस करोगे, के सी एल को माइनस करोगे. क्यों? क्योंकि पोटेशियम से पोटेशियम कट जाएगा, सी एल से सी एल कट जाएगा, क्या मिलेगा, एसिटेट और एच प्लस मिलेगा, और एसिटेट और एच प्लस बस हमें चाहिए है ना. जी मैम.
हाँ तो अगर ये तो वन वन मॉलिक्यूल्स दिए हैं, बट अगर क्वेश्चन में दिया है टू सी एच थ्री सी ओ ओ एच, तो टू सी एच थ्री सी ओ ओ और टू एच प्लस आयंस, तो व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई 26 विद द टू, क्योंकि एसीटेट की वैल्यू है, एच प्लस मतलब 100 में टू का मल्टीप्लाई कर दोगे, अभी समझ आया, ऐड करते टाइम यू विल मल्टीप्लाई द स्टोइशियोमेट्री इन द गिवन वैल्यू. यस मैम. यस, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट कॉलरॉश लॉ इज. फिर कुछ टर्मिनल क्वेश्चंस हैं इसमें जिसको एक मैम बार. हाँ यस अनिशा. कॉलरॉश लॉ की डेफिनेशन थोड़ी बता दीजिए. हाँ, डेफिनेशन इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. टाइप कर दूँ, जी टाइप कर मैम. देती हूँ. हाँ, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ जस्ट अ मिनट. यस, इज द सम ऑफ आयोनिक कंडक्टिविटीज, द सम ऑफ आयोनिक कंडक्टिविटी आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉलरॉश लॉ. ठीक है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ आयोनिक कंडक्टिविटीज, मतलब इंडिविजुअल आयंस की, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. ठीक है, यस ऑल ऑफ यू, समझ आया? आ रहा है. यस. सो उज्जवल डिसाइडेड यू आर कंटिन्यूइंग और नॉट, मींस आज द नेक्स्ट क्लास. आई मीन द क्लासेस यू विल या आई कंटिन्यू विल विद. कंटिन्यू. या सो दिस इज ऑल अबाउट, व्हाट अबाउट, ऑल अबाउट द आयोनिक कॉलरॉश लॉ. ओके, सो वी आर अबाउट टू कंप्लीट, नॉट अबाउट टू कंप्लीट, वी हैव कंप्लीटेड द यूनिट, वी हैव कंप्लीटेड द यूनिट कंडक्टेंस वन एंड सम क्वेश्चंस. सो वील डू द क्वेश्चंस नेक्स्ट मॉर्निंग, बिकॉज शाम को तो हम दूसरा पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है ये, एंड हु ऑल हैव पेड द फीस. यस अनिशा.